हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ रियल क्रिकेट गो। तो गाइस, ये एक तरह का क्रिकेट वाला गेम है और मुझे क्रिकेट का गेम बहुत अच्छा लगता है। तो आज इसके बीच में मैं आज इंडिया और आयरलैंड के बीच में मैच खेलने वाला हूँ। तो ये गाइस, ये गेम जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गया है, तो आप लोग इस खेल को समझना, भावनाओं पे मत लेना इस गेम को, ठीक है? चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा इंडिया वर्सेज आयरलैंड का मैच होने वाला है रियल क्रिकेट गो में। तो मैं जरा प्रोफेशनल अब कमेंट्री बनने वाला हूँ, प्रोफेशनल कमेंटेटर बनने वाला हूँ आज। मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा है कि नहीं पता नहीं, हेड्स का कॉल है। हम बैटिंग करने का लेंगे फैसला। हमारे टीम के पास है मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, विराट कोहली, लेकिन हम लोग स्टार्ट करवाएंगे मयंक अग्रवाल और विराट कोहली द कैप्टन से। तो भाई पहला बॉल है ऐसा, तो हम इसमें शॉर्ट बॉल है तो ये हम पुल करना चाहेंगे। ओफो, मिस हो गया। कोई नहीं हो जाएगा। ये मारने वाला बॉल दिया भाई, फुल टॉस है, इसको तो जड़ना है थोड़ा। और ये गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, तारामंडल में भेज दिया गेंद को 6 रन के लिए। वाह वाह वाह, मजा आ गया यार इसको देखकर। 6 रन, रिप्ले देखो यार कितना चला। मतलब फुल टॉस दिया था, वो भी मयंक अग्रवाल जैसे सेट बैट्समैन को, इसका फॉर्म अच्छा है। ये भी वैसा ही वाला बॉल, इसको हम स्ट्रेट खेलने का कोशिश करेंगे। और अच्छा से खेलना है, इन सिंगर करेगा, बल्ले पड़ाई नहीं है सही से और सीधा फील्डर के पास, बड़ा झटका भारतीय टीम को मयंक अग्रवाल के रूप में। नेक्स्ट बैट्समैन अब है ये कौन है, विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। और ये छक्का पहले ही गेंद पर, वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्या गजब का छक्का यार, मजा आ गया। तारामंडल में गेंद को भेज दिया, इतना ऊंचा गया ये गेंद 6 रन के लिए। और अब जो है यहाँ पर आउट स्विंगर है ये, अब इसको जो है, और ये बच गया। वरना ये भी ज्यादा बहुत जोरदार वाला छक्का, ये पुल शॉट खेलना है अपने को अब, क्योंकि ये शॉर्ट बॉल फेंक रहा है। छक्का, ओहो हो, विराट कोहली क्या बात है, एक और 6 रन। भारत मजबूत स्थिति पे आ गया है अभी इंडियन टीम 6 रन के लिए। गाइस, ये गेम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो प्लीज भावनाओं पे मत जाना यार, ठीक है? चलो भाई, मयंक अग्रवाल का एक झटका लगा है भारत को, बाकी मयंक और विराट कोहली सेट है। श्रेयस अय्यर को अच्छा खेलना होगा यहाँ पर, 7 दिनों का विराट कोहली का। ओ बच गए, कॉट बी हैंड ऑन से बच गया। रियल क्रिकेट गो, ये आउट सिंगर है, टारगेट रहेगा 5 ओवर में तकरीबन 59-60 रन मारना। छक्का, ओ हो हो, ऐसा चलेगा तो हम लोग बहुत आराम से पहुंच जाएंगे इस टारगेट पर। क्या गजब का छक्का है यार, थोड़ा क्राउड पे पास भेज यार, क्राउड क्यों आया है क्रिकेट देखने की, थोड़ा बॉल पकड़े वो लोग भी। क्या है यार, बार बार एडवर्टीजमेंट बोर्ड के पास आ रहा है यार। ये रिकॉर्डिंग वाला एरिया को तो पहले साइड करो यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। ये फिर से ऐसा शॉट खेलना है, ओ बल्ले पड़ाई नहीं है सही से, बच गया, 1 रन मिलेगा। अगर वहाँ फील्डर रहता तो फिर से एक दूसरा झटका लग जाता इंडियन टीम को। ये पुल शॉट खेलने वाला बॉल है, विराट कोहली स्ट्राइक पे, छक्का, ओ हो हो, एक और छक्का, वाह वाह वाह, विराट कोहली का आज बड़ा आ गया यार। तभी लग रहा है मुझे हिसाब से 3 या 4 छक्के लगे हैं इसके बल्ले से। बहुत सही बैटिंग, 3 छक्के। अब ये भी वैसा ही बॉल है, इसको भी वैसा ही भेजने का होगा इरादा, शॉर्ट बॉल फेंक रहा है बस। ओह बच गया, वरना ये भी छक्का ही जाता जिस हिसाब से बल्ला खींचा गया था। और ये स्ट्रेट खेलना है अपने को। और ये एक और जोरदार छक्का, वेल प्लेड विराट कोहली, वेल प्लेड। आज मैं खेलने के साथ साथ थोड़ा कमेंट्री भी करूंगा कि प्रॉपर क्रिकेट का फीलिंग आए, क्योंकि मुझे इस गेम का कमेंटेटर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अरे भाई, अब कौन है ये बॉलर, संत थॉमसन, और श्रेयस अय्यर है स्ट्राइक पर। मार भाई, बल्ले पड़ाए नहीं है सही से, क्या फील्डर के पास, नहीं, 2 रन की मांग होगी और 2 रन की प्राप्ति आराम से होगी। भारत मजबूत स्थिति में 1 विकेट गिरने के बाद 39 रन लग चुके हैं। अब जो है अपने को खेलना होगा स्ट्रेट, आउट स्विंगर है ये, और ये बल्ले पर फिर से नहीं आया सही से, टाइम नहीं हो पा रहा लेकिन। और ये झटका श्रेयस अय्यर के रूप में भारत को झटका लगा, दूसरा विकेट गिरा, बल्ले पर सही से आई नहीं गेंद। अब आएंगे केएल राहुल, फॉर्म में ये भी चल रहे हैं अभी। अब इसको एक पुल शॉट लगाना है अपने को, लगाओ छक, ओ लग गया, ओ विराट, ओ विराट कोहली है बैट नॉन स्ट्राइकर एंड पे, सॉरी स्ट्राइकर एंड पे, तो कोई नहीं, विराट कोहली को थोड़ा चोट लग गया, बदला लेगा इस बॉलर से।
और ये छक्का, वाह वाह वाह, क्या सी ऑफ दिया गया है इस बॉलर को, एक छक्का जड़कर। यार आज इंडियन टीम छक्का का पहाड़ा पड़ रही है, बहुत सही लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस गेम को खेलने में। ऑफ कटर, ओ भाई विभिन्न प्रकार के बॉलर जो हैं बॉलिंग टेक्निक कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये टॉप एज लेकर बॉल हवा में गई है, फील्डर आ रहा है नीचे और ये सिंपल कैच, सिंपल कैच। विराट कोहली का एक शानदार इनिंग खत्म हुआ अभी, बहुत अच्छा चल रहा था भारतीय टीम, अच्छा लग रहा है, गड़बड़ाएगा। हार्दिक पांडे आए हैं अब, ये राहुल है अभी स्ट्राइक पर क्योंकि दौड़ा गया था, ओह बच गया, तो ये भी छक्का जाता। और जो है ये आया है कौन भाई, ये कौन है, ये स्पिनर है और ये हार्दिक पांड्या, और बोल्ड, ओहो पहले ही गेंद पर बोल्ड, गोल्डन डक। कोई नहीं कोई नहीं, बॉलिंग में मजा लेना है अपने को। मोहम्मद शमी यार 60 रन कम से कम टपाना होगा, नहीं तो हार जाएंगे ये मैच, ये लोग का भी टीम मजबूत होगा। और ये यहाँ के ग्राउंड बहुत छोटे हैं और ये हवा में है गेंद, वन बाउंस और फील्डर के पास, दो रन की प्राप्ति के लिए, दो रन का प्राप्ति हो जाएगा। बढ़िया रनिंग बिटवीन टू विकेट्स, टॉप स्पिन कर रहा है। अरे यार थोड़ा और उधर के मारना चाहिए था मेरे को, शिट। अब इसको जो है ऐसे खेलना होगा, ओ बच गया बच गया यार, स्टंपिंग नहीं किया, कैसा विकेट कीपर है, काएगा विकेट बने, कीपर बनेगा रे तू, क्या यार तू लोग भी ना। छक्का ये भी बल्ले पे टाइम नहीं हुआ है, चलिए कोई नहीं, दो रन तो मिल जाएगी आराम से, दो रन की प्राप्ति हो गई। इसके बाद अभी मुझे लग रहा है 7 बॉल और बचा है इनिंग खत्म होने में भारत का, उससे पहले अच्छा खेलना ही पड़ेगा, कम से कम 10 रन और आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। हो बल्ले पर फिर से नहीं आई मोहम्मद शमी के, और ये दो रन की प्राप्ति फिर से होगी। 51 रन हो चुका है भारत का चौथा ओवर समाप्त होने पर, अब ये लास्ट ओवर है, ऑफ स्पिन करवाएगा तो हमें आराम से खेलना होगा, स्ट्रेट खेलना होगा। जड़ दिया जड़ दिया जड़ दिया, वाह भाई वाह, छक्का, वाह चलिए भाई अब कुछ बात बना, 6 रन लगा, वाह। तो गाइज इंडिया ने बनाया कुल 57 रन, मेरे ओपिनियन में तब जितना मैंने टारगेट सोचा था उससे तकरीबन 3-4 रन कम है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अच्छा बॉलिंग कर निकाल लेंगे इस मैच को। जसप्रीत बुमराह पहला ओवर डालेगा, उसके लिए हम लोग को चाहिए वाइड यॉर्कर, दी बॉलर इज बॉलिंग फ्रॉम हिज फेवरेट एंड। और ये ओह डिफेंस, कोई नहीं बढ़िया, अब जो है अपने को जाना है। गाइज ये 2.2 ओवर के बाद 29 रन है और उन लोग का एक भी विकेट नहीं गिरा। अपील किया गया है यहाँ पर, बहुत जोरदार अपील, अंपायर को और देना चाहिए। अरे यार मैं तो DRS लूंगा, मुझे DRS लेना ही पड़ेगा। DRS का निर्णय भारत के कप्तान विराट कोहली के द्वारा, इंडियन टीम के द्वारा, और अब देखना है क्या ये नो बॉल होगा। बिल्कुल नहीं, नो बॉल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये बल्ला पे बिल्कुल नहीं लगा यार, बल्ला तो बिल्कुल नहीं लगा है, नहीं कोई एज नहीं है बल्ले का, बल्ले और बॉल में बहुत बड़ा गैप है। हॉटस्पॉट पर देखा जाए तो बल्ला आया ही नहीं है, तो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब जो है वन, ओहो पिचिंग आउटसाइड लेग, बर्बाद, रिव्यू लॉस्ट हो गया, इम्पैक्ट भी आउटसाइड लेग है, विकेट हिट भी करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आउट करने के लिए 3-3 रेड चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 रेड है, ख़त्म। इम्पैक्ट आउटसाइड लेग, पिचिंग आउटसाइड लेग, सब बर्बाद, रिव्यू लॉस्ट हुआ भारत का। अरे हाँ भाई नॉट आउट है क्या ही यार, इतना दिखा रहा उतना देर से, सही डिसीजन अंपायर के द्वारा। तो गाइस अभी श्रेयस अय्यर से बॉलिंग करवाया जा रहा है, वैसे रियल में नहीं होता है लेकिन इसमें करवाया जा रहा है, ये तो गेम में सब चलता है, क्या विकेट ले पाएंगे, और ले भी लिया। चलिए आखिरी गेंद पर पहला झटका आयरलैंड के टीम को, अभी भी उनको जीत के लिए कुछ कुछ रन चाहिए, 38 रन है तकरीबन उनको अभी, 10-15 रन और रन चाहिए जीतने के लिए, एवरेज बता रहा हूँ मैं। हाँ बहुत स्लो डाला गया तब जाकर वो विकेट मिला है, वरना वो भी नहीं मिल पाता, बहुत ज़रूरत था वो विकेट भारत को वापसी करने के लिए इस गेम में। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया ये तो, अब किससे करवाया जाए बॉलिंग, लास्ट ओवर होगा क्या, ये मोहम्मद शमी लास्ट ओवर, ओ माय गॉड, अब इन लोगों को चाहिए 22 रन जीतने के लिए आयरलैंड के टीम को 6 बॉल पर, तो कैसे भी करके हमें 3-4 बॉल निकलवा देना होगा, एकदम वाइड यॉर्कर डालना है अपने को। मिस मिस मिस, 5 बॉल पे चाहिए 22 रन आयरलैंड को टीम को, प्रेशर आयरलैंड के खेमा में,
मोहम्मद शमी बस गलत बॉलिंग ना करें यहाँ पर, तब तो भारत आराम से मैच जीत जाएगा। मिस एक और मिस, वेल वेल बॉलिंग, बहुत अच्छा बॉलिंग हो रहा है मोहम्मद शमी के द्वारा। अब जो है यहाँ पर फिर से वाइड यॉर्कर का कोशिश किया गया है। ओ ये आगे बढ़ गया, ये पक्का छक्का मारेगा इस बार पे। जड़ दिया छक्का, प्रेशर वापस मोहम्मद शमी के ऊपर। आयरलैंड की टीम ने प्रेशर हटाया अपने आप पर, शुरुआत के दो डॉट खेलने के बाद एक छक्का जड़ ही दिया इस गेंद पर। ये बॉल निकलवाना पड़ेगा, तीन गेंदों पे अभी भी चाहिए उन लोगों को रन, 15 रन चाहिए उन लोगों को जीतने के लिए, 15 से 16 रन। और ये गैप में चौका। पिछले दो गेंद डॉट खेलने के बाद दो गेंद पर आ गए हैं 10 रन, प्रेशर पूरा मोहम्मद शमी के ऊपर आ गया है। अब अगर यहाँ पर एक डॉट बॉल और निकल जाए तो भारत इस मैच में आ जाएगा, क्योंकि एक बॉल पर फिर 12 रन लगना नामुमकिन है। बस अपने को अच्छा बॉलिंग करना होगा, पहले एक फील्डर को यहाँ पर लगवाया जाएगा कि गैप में चौका रोके वो लोग। अब एक वाइड यॉर्कर फिर से स्लोअर लेंथ का डालना पड़ेगा, बिल्कुल स्लो इस पिच पे, स्लो बॉलिंग ज़्यादा फायदा कर रहा है, चाहे वो आयरलैंड की टीम का हो इंडियन टीम का। मिस कर जाना, मिस। भारत ये मैच जीत लिया। अब एक बॉल पे 12 रन लग नहीं सकता है अगर नो बॉल या फ्री हिट कुछ ना हो तो, बिल्कुल नो बॉल नहीं करना। यस भारत जीत गया इस गेम को, लग रहा है ये छक्का मारेगा क्या यार, जड़ दिया छक्का लेकिन कोई फायदा नहीं। भारत इस गेम को 5 रन से जीत लिया है। वेल बॉलिंग, वेल प्लेड इंडियन टीम, वेल प्लेड गाइस, बहुत ही शानदार गेम, वाह। कमीड मार्जिन से जीता लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा रहा है ये गेम गाइस, बहुत मजा आया इस गेम को खेलने में। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।